नमो नमः स्टूडेंट्स, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रुचिरा भाग 2 के प्रथम पाठ सुभाषितानि के कठिन शब्दार्थ तथा पहले व दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद हिंदी ट्रांसलेशन सीखा। आज हम श्लोक नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, श्लोक नंबर 3 है। पहले मैं सस्वर वाचन करके आपको सिखाऊंगी, इसके बाद हम सिंपल वे में इसको साधारण वे में इसको पढ़ करके इसके अर्थ को समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 3। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। रिपीट करती हूँ मैं। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। दूसरी पंक्ति है श्लोक नंबर 3 की। विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो अब हम इसका अर्थ सीखते हैं स्टूडेंट्स। दाने, दाने में दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य में, विज्ञाने विज्ञान मीन्स जिसमें विशेष ज्ञान हो, उसे कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञाने मीन्स विज्ञान में, विशेष ज्ञान में। विनये विनम्रता में, पोलाइटनेस में। नये च नीति में, और नीति में। नये च, च का मीनिंग होता है, मीन्स होता है संस्कृत में और को कहते हैं च। तो नये च और नीति में। विस्मयो, विस्मयो मीन्स आश्चर्य वंडर, और न का अर्थ हुआ नहीं से, और ही का अर्थ हुआ निश्चित रूप से। कर्तव्यो करना चाहिए। बहुरत्ना मीन्स अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा यानी पृथ्वी, अर्थ को बोलते हैं वसुंधरा। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी पृथ्वी है ना, वो अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात स्टूडेंट्स, पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः दान तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चौथा श्लोक है। सस्वर वाचन कर सीखते हैं हम पहले इसका। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचिदाचरेत। रिपीट करती हूँ मैं, आप लोग अच्छे से सुने। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम। चौथा श्लोक दूसरी पंक्ति। सद्भिर विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचिदाचरेत। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन सीखते हैं हम इसका, हिंदी अनुवाद सीखते हैं। सद्भिरेव, पहली पंक्ति में सद्भिरेव, ये जो शब्द है स्टूडेंट्स, वो दो शब्दों का मेल है। सद्भिः धन एव, अर्थात सद्भिः मीन्स सज्जन, तो सज्जनों के साथ ही। सद्भिरेव मीन्स सज्जनों के साथ ही। सहासीत, सह धन आसीत, अर्थात सह का मीन्स होता साथ, और आसीत मीन्स बैठना, तो सहासीत मीन्स साथ बैठना। सद्भिः सज्जनों के, संगतिम कुर्वीत संगति करनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन है सद्भिर विवादम, चौथा श्लोक दूसरी पंक्ति। सद्भिर विवादम, ये शब्द भी स्टूडेंट्स दो शब्दों का मेल है। जो शब्द, दोनों शब्द कौन से हैं? सद्भिः धन विवादम, यानी कि सज्जनों के साथ विवाद। सद्भिर विवादम मीन्स सज्जनों के साथ विवाद।
मैत्रीम च, चय का मीन्स क्या बताया था, और मैत्रीम यानी मित्रता, तो मैत्रीम च मीन्स और मित्रता। न सद भी, ये शब्द भी दो शब्दों का मेल है स्टूडेंट्स, न धन असद भी, अर्थात जो सद भी नहीं है यानी कि जो सज्जन नहीं है वो क्या कहलाएंगे, असद भी, यानी कि सज्जन का विलोम क्या बनेगा, दुर्जन। तो न सद भी का मीन्स जो सज्जन नहीं है वो क्या हुए, दुर्जन। तो न सद भी मीन्स दुर्जन, तो न सद भी दुर्जनों के साथ, न न मीन्स नहीं। और किंचित आचरित, ये शब्द भी दो शब्दों का मेल है स्टूडेंट्स, किंचित धन आचरित मीन्स किंचित यानी कुछ भी, और आचरण मीन्स आचरण व्यवहार हमको नहीं करना चाहिए, न न का अर्थ होता है नहीं, नहीं करना चाहिए। किन के साथ हमें कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए, दुर्जनों के साथ हमें कोई भी आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात स्टूडेंट्स हमें सज्जनों के साथ ही बैठना या रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये समझना चाहिए कि सज्जनों के साथ विवाद करना चाहिए, इसका ये अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है यदि विवाद करना हो, विवाद में तर्क वितर्क वाला, वैसे फाइटिंग लड़ाई झगड़े वाला नहीं, जो तर्क वितर्क करते हैं ना शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रार्थ करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो हमें सज्जनों के साथ ही विवाद करना अर्थात तर्क वितर्क करना हो तो हमको सज्जनों के साथ ही करना चाहिए, किसी दुर्जन के साथ नहीं करना चाहिए। और स्टूडेंट्स हमें मित्रता भी करनी हो तो सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट श्लोक नंबर 5 है, धन धान्य प्रयोगेशु विद्यायाः संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। एक बार वापस से रिपीट करती हूँ मैं, धन धान्य प्रयोगेशु विद्यायाः संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। अर्थात स्टूडेंट्स धन धान्य मीन्स अनाज, धन धान्य प्रयोगेशु मीन्स धन धान्य के प्रयोग में अर्थात व्यवहार में, विद्या विद्यायाः, विद्यायाः मीन्स विद्या के, संग्रहेशु च मीन्स संग्रह में, और च, च का मीन्स क्या हुआ, और होता है, आहारे मीन्स भोजन करने में, व्यवहारे च यानी व्यवहार करने में, और त्यक्त लज्जा मीन्स त्यक्त, त्याग दिया है लज्जा को जिसने, यानी कि लज्जा मीन्स वही शर्म संकोच, तो त्यक्त लज्जा का अर्थ होता है जिसने लज्जा या संकोच को त्यागने वाला व्यक्ति, ठीक है, सुखी भवेत, सुखी रहता है। अर्थात स्टूडेंट्स धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह करने में, आहार या भोजन करने में, और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा संकोच नहीं करता है वह सुखी रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अंतिम श्लोक नंबर 6 है, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करेयस्य किं करिष्यति दुर्जनः। ठीक है स्टूडेंट्स, वापस से रिपीट करती हूँ मैं, क्षमा क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करेयस्य किं करिष्यति दुर्जनः। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका ट्रांसलेशन सीखते हैं, क्षमा वशीकृतिर्लोके, इसमें क्षमा वशीकृति ही धन लोके, ये इसमें दो शब्द संधियुक्त पद बनेगा, क्षमा वशीकृतिर्लोके, लोके मीन्स संसार में, क्षमा वशीकृति अर्थात क्षमा क्या है, वशीकरण है, अर्थात वश में करने का साधन है क्षमा, क्षमया मीन्स क्षमा के द्वारा या माफ़ करने के माध्यम से, किम किम का अर्थ हुआ क्या,
न मीन्स नहीं, साध्यते साध्यते मीन्स साधा जा सकता है, अर्थात स्टूडेंट्स कौन सा कार्य ऐसा है जो क्षमा से नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स अंतिम श्लोक अंतिम पंक्ति, शांति खड़गह करे यस्य, यस्य मीन्स जिस व्यक्ति के, करे करे मीन्स हाथ में, शांति खड़गह मीन्स शांति रूपी तलवार अर्थात शांति है। किम करिष्यति दुर्जन, अर्थात दुर्जन दुर्जन व्यक्ति, उस व्यक्ति का क्या कर सकता है अर्थात कुछ नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है स्टूडेंट्स कि इस संसार में क्षमा के सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो स्टूडेंट्स पाठ में दिए सभी श्लोक हमें नई प्रेरणा देते हैं। हमने 6 श्लोक पढ़े इस पाठ में और ये 6 श्लोक हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य देते हैं, हमें नई सीख अवश्य देते हैं। स्टूडेंट्स तो आप सभी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें। स्टूडेंट्स अगली कक्षा में हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम।